बैठ के वो लोग क्या करते हैं, भाई तुम पानी डालना मत भूलना, पानी डालो, थैंक यू बोलना चाहिए जो पेड़ लगाता है, क्योंकि तुमने तो एक भी पेड़ नहीं लगाया। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ आप सब भले होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो दोस्तों जून जुलाई महीना एक ऐसा महीना होता है ना, मतलब कोई से भी आप पेड़ पौधा लगा दीजिए वो अपने आप बड़े होते रहते हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है और उसके बाद पार्टली मतलब जितना भी है धूप बारिश पानी तो मतलब ये सब मिलता रहता है, तो कंटिन्यू मिलने के कारण वो आसानी से खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। आप मेरे पीछे जितने भी देख सकते हैं ना, ऐसे मेरा ही एरिया का मतलब पेड़ पौधा है बहुत सारा है, जो मैंने कुछ कुछ लगाया वो खुद से खुद हो जाता है, और कोई पापा ने लगाया है, जैसे ये हो गया कटहल है, उसके बाद है जो जैक फ्रूट बोलते हैं, उसके बाद मैंगो ट्री है, उसके बाद बहुत सारा है जो फ्रूट्स का भी है, उसके बाद दोस्तों ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये हो गया अमरूद का पेड़, उसके बाद ये नींबू का पेड़, ऐसा बहुत सारा हम लोग यहाँ पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा ट्रीज है। और मैं 5 पौधा लेके आया हूँ, तो उसको अभी गाड़ेंगे, ऐसा नहीं कि 5 जून आए तो उसके बाद ही उसके दिन ही एक पेड़ लगाए, वो तो अच्छी बात है, अवेयरनेस का भी बात है, वो भी अच्छी है, लेकिन हम लोग 5 ट्री लगाएंगे आज किसी लोकेशन पे लगाएंगे। दोस्तों ये है 5 ट्री, जो कि गंबारी ट्री बोलता है इसको, और ये थोड़ा सा गबर चाहिए इसको लगाने के लिए, उसके बाद ये अपने आप से बड़ा होते रहेगा, पानी का सीजन है तो पानी मिलते रहेगा प्रॉपरली और बढ़ते रहेगा आराम से। तो चलिए इसको फटाफट करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये सामान लगेगा जो कि मेरे पास ही है, और सब ट्री है, तो चलिए निकलते हैं इसको लगाने के लिए सब। तो इस जगह में गड्ढा खोल लेते हैं, थोड़ा सा गोबर देता हूँ मैं, और ये जो प्लास्टिक है ना इसको पहले खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसको यहाँ पे गाड़ देंगे इस तरह से, बस इसको एक ध्यान रखना कि मतलब भेड़ बकरी आके खा ना दे, तो उसके लिए कुछ बाउंड्री लगाना पड़ेगा बाद में। ये हो चुका है एक कंप्लीट, एक का डिस्टेंस कम से कम 15 फुट जैसा होना चाहिए, 15 फुट बाद ये ऐसे गाड़ रहा हूँ ताकि बड़ा होने के बाद कोई दिक्कत ना करे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा गड्ढा खोलने के बाद ये पानी आ रहा है, यहाँ पे मैंने गोबर डाल दिया और साथ में ये पौधा भी लगा रहा हूँ। तो ये हो चुका है दोस्तों हम लोग का कंप्लीट पौधा लगाना, पेड़ों का जो लगाने का काम था मेरा वो कर चुका हूँ, उसके 5 जून को तो काम करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसके तहत भी एक काम करेंगे, तो जून महीने का महीना है तो इस महीने में जितना पेड़ लगाएंगे ना उतना जल्दी से उगेंगे, ये जून और जुलाई बहुत ही बेस्ट रहता है पेड़ लगाने का। और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, 5 जून के दिन ना बहुत सारा आदमी पेड़ लगाता है, और कोई कोई आदमी है जो घर में एसी के अंडर में बैठ के वो लोग क्या करते हैं, भाई तुम पानी डालना मत भूलना, पानी डालो, भाई तुम उसको थैंक यू बोलना चाहिए जो पेड़ लगाता है, ठीक है, क्योंकि तुमने तो एक भी पेड़ नहीं लगाया तो ऊपर से उसको थैंक यू भी नहीं बोला, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके वजह से कोई डीमोटिवेट हो या कोई दूसरा बंदा आपको देख के सीखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भी पेड़ लगाओ, पर्यावरण कूल रहेगा भाई, नेचर है हम लोग का, नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि गर्मी कितना बढ़ चुका है ना। दोस्तों बस यही था आज मेरा शॉर्ट ब्लॉग्स संडे का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।